सेंट्रल विस्टा के एक हिस्से का उद्घाटन जल्द, पीएम मोदी 8 सितंबर को करेंगे उद्घाटन, फुल स्टॉल बैडिंग जोन की होगी सुविधा, आम जनता को भी मिलेगी एंट्री। मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का काम बेहद तेजी से जारी है। अब जल्द ही सेंट्रल विस्टा के एक हिस्से का प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करने जा रहे हैं। राजपथ के साथ बने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में राज्यवार फूड स्टॉल, चारों ओर हरियाली के साथ लाल ग्रेनाइट पैदल मार्ग, वेंडिंग जोन और पार्किंग स्थल जैसी सुविधाएं आम लोगों को मिलने वाली हैं। उद्घाटन के अगले दिन इसे आम लोगों के लिए खोले जाने की खबर है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि पीएम मोदी 8 सितंबर की शाम सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत विजय चौक से इंडिया गेट तक पूरे खंड का उद्घाटन करेंगे। ये हिस्सा 20 महीने बाद जनता के लिए खुलेगा। उद्घाटन के दिन विजिटर्स को इंडिया गेट से मानसिंह रोड तक जाने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन बाकी हिस्से का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद 9 सितंबर से पूरे खंड को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। CPWD ने 5 वेंडिंग जोन स्थापित किए हैं, जहां 40 विक्रेताओं को अनुमति दी जाएगी। हालांकि विक्रेताओं को गार्डन एरिया में अपना सामान बेचने की अनुमति नहीं होगी। इंडिया गेट के पास 2 ब्लॉक होंगे और प्रत्येक ब्लॉक में 8 दुकानें होंगी। कुछ राज्यों ने अपने फुल स्टॉल लगाने में रुचि दिखाई है। आइसक्रीम कार्ट को केवल वेंडिंग जोन में ही चलने की अनुमति होगी। आइसक्रीम ट्रॉली को सड़कों पर जाने की अनुमति नहीं होगी। CPWD के अधिकारियों के अनुसार इस इलाके में लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस कर्मियों और सुरक्षा गार्ड की भारी तैनाती होगी, ताकि कोई चोरी न हो और नई स्थापित सुविधाओं को नुकसान न पहुंचे। करीब 80 गार्ड सुरक्षा में तैनात किए जाएंगे। पूरे खंड पर 16 पुल हैं। पूरे हिस्से में 1125 वाहनों के लिए पार्किंग की जगह बनाई गई है और इंडिया गेट के पास 35 बसों के लिए पार्किंग की जगह निर्धारित की गई है। बता दें कि सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत एक नए संसद भवन और एक नए आवासीय परिसर का निर्माण किया जाएगा। इसमें सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत नए त्रिकोणीय संसद भवन, साझा केंद्रीय सचिवालय, 3 किलोमीटर लंबे राजपथ का पुनर्विकास, पीएम के नए निवास, कार्यालय और उपराष्ट्रपति के लिए नए एनक्लेव बनाए जा रहे हैं। सेंट्रल विस्टा परियोजना की सितंबर 2019 में घोषणा की गई थी। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजना की आधारशिला रखी थी।